वहीं शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। इस बीच देश की नजरें योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई हैं, जो आज दिल्ली आ रहे हैं। बताना चाहेंगे कि अपने दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के साथ बैठक में सरकार की रूपरेखा तैयार करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक पार्टी यूपी में इस बार 4 उप मुख्यमंत्री बना सकती है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बावजूद अब तक यूपी में नई सरकार के गठन का ऐलान नहीं हुआ। वहीं सूत्रों का यह कहना है कि योगी का शपथ ग्रहण होली के दो दिन बाद यानी कि 20 मार्च को हो सकता है। साल 2017 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम योगी ने 19 मार्च के दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन इस बार क्योंकि 17 और 18 मार्च को होली है और 19 मार्च को एमएलसी नामांकन की आखिरी तारीख, इसलिए योगी के 20 मार्च को शपथ लेने की अटकलें सामने आ रही हैं। इस बीच नई सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। बीती रात लखनऊ में सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के संगठन सुनील बंसल मौजूद रहे। इस बैठक के बाद सीएम योगी आज केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी नई सरकार की रूपरेखा को लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आज दिल्ली बुलाया गया है। आज की महत्वपूर्ण बैठक में शपथ ग्रहण की तारीख से लेकर मंत्रिमंडल पर फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। और समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक 21 मार्च को होगी। सपा ने अपने विधायकों को सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में बुलाया है। इस बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में हार पर भी मंथन किया जा सकता है और इसके अलावा सपा इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष का नाम भी तय कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी में कई नाम चल रहे हैं। इनमें विधायक लालजी वर्मा, शिवपाल यादव और माता प्रसाद पांडे का नाम प्रमुख है। इस बैठक में विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव में कुछ खामियां रह जाती हैं, जिसके कारण हम चुनाव हार गए। समीक्षा के बाद अपनी खामियां पता कर उसे दूर करेंगे। चुनाव संगठन के दम पर लड़ा जाता है और इसीलिए भविष्य में संगठन को भी मजबूत करेंगे। जनता के मुद्दों को सपा सदन के अंदर और बाहर मजबूती से उठाती रहेगी। वह विधानसभा चुनाव के इतिहास में पार्टी के सबसे निराशाजनक प्रदर्शन के बाद प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता हार के कारणों की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लखनऊ आकर अलग से हार की समीक्षा करनी चाहिए और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेना चाहिए। बताना चाहेंगे विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में जिस तरह से कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर पैराशूट से उतरे उम्मीदवारों पर पार्टी ने दाव लगाया, उसे कार्यकर्ताओं में भारी हताशा नहीं कुंठा भी है। वहीं पार्टी के कई बड़े ओहदेदार अपने नेता नातेदारों के चुनाव में ही व्यस्त रहे और दूसरे प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन जुटाने के लिए निकले ही नहीं। वहीं कार्यकर्ताओं को इस बात का भी रंज है कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ऐसी शर्मनाक हार के लिए सार्वजनिक रूप से नैतिक जिम्मेदारी लेने से परहेज किया है, जबकि अतीत में कई उदाहरण ऐसे रहे जब चुनावों में अपेक्षानुसार प्रदर्शन न कर पाने पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफा देने में थोड़ी भी देर नहीं की। वहीं कांग्रेस के डिजिटल मीडिया के संयोजक अंशु अवस्थी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजे अपने पत्र में उनसे पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने प्रियंका से यह भी कहा है कि आपसे आसपास मौजूद लोगों ने पार्टी का एक बड़ा नुकसान किया है। वहीं प्रदेश में पार्टी की यह हालत करने वालों की पारदर्शी समीक्षा हो और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
और पंजाब में बहुत बहुमत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल देखा गया। इस माहौल में आज अमृतसर में आपका विजय जुलूस निकलेगा, बताना चाहेंगे, जिसमें खुद पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, पार्टी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी पदयात्रा निकाल रही है। पार्टी अब हिमाचल में चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। वहीं दिल्ली से लेकर शिमला तक आम आदमी पार्टी का जो जोश हाई दिख रहा है, इसके पीछे का आधार पंजाब में प्राप्त हुआ प्रचंड बहुमत है। और आज उसी बहुमत के लिए जनता को धन्यवाद कहने खुद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंच रहे हैं। अमृतसर में पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केजरीवाल का विजय जुलूस निकलेगा। बताना चाहेंगे आपको, भगवंत मान 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोपहर 1:30 बजे से अमृतसर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो शुरू होगा और पूरे शहर में घूमेगा। कल ही भगवंत मान चंडीगढ़ में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बनवारी लाल से मुलाकात करके राज्य में नई सरकार के गठन का दावा पेश कर दिए हैं। और 16 मार्च को करीब 12:30 बजे शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब अंदरूनी राज सामने आ रही है। कांग्रेस राज्य इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जिसने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं, वे उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जिन लोगों ने सिद्धू के लिए गड्ढे खोदे, उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए और कहीं से फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। चिंता नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। फैसला जनता की अदालत में हो गया है। उन्होंने कहा कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं और ये चुनाव एक बदलाव के लिए था। लोगों ने एक महान निर्णय लिया है, जनता कभी गलत नहीं होगी। मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं कि लोगों ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया या नहीं। कांग्रेस राज्य इकाई के अध्यक्ष ने कहा कि मेरा लक्ष्य पंजाब का उत्थान है, पंजाब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो पंजाब को प्यार करता है वो हार जीत नहीं देखता। लोगों की आवाज में परमात्मा की आवाज है। जिन लोगों ने गड्ढे खोदे सिद्धू के लिए, वो उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए। कौन कहता है बेअदबी का इंसाफ नहीं हुआ? हुआ, जनता की अदालत में हुआ, समझे? नहीं, वो सबको दिखता है। इसलिए मुर्दे का बाल उखाड़ने से मुर्दे का वजन हल्का नहीं होगा। जो चला गया उसे भूल जा। एक नई शुरुआत हुई है, एक नया सृजन है, नई सवेर है। लोगों को आस और विश्वास है आम आदमी पार्टी पे, तभी ये वोट डाली है, बदलाव के लिए वोट डाली है। मेरी शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अगर सच्चे दिल से पंजाब को प्यार करते हैं तो लोगों का ये फतवा जो है, इसे झुक के विनम्र भाव से स्वीकारना होगा। क्योंकि ये वोट ही बेहतरी के लिए है और जो बेहतर है उसे स्वीकारा समझे। लेकिन बेहतर बनने के लिए ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जब तक वो पंजाब के साथ हैं, सिद्धू जय जयकार करेगा। यथार्थ के धरातल पे खड़े होके आप मंथन होना चाहिए। ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि खेती सूख गई अब बारिश हो, नए बीज बोने पड़ेंगे, आरंभ करना पड़ेगा, कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।